अभी आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं, हो सकता है कि इसे देखने के बाद आप बहुत हंसे और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ मीम शेयर करने लगे। हो सकता है आपके चेहरे पर हंसी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके चेहरे पर हंसी नहीं बल्कि चिंता होनी चाहिए। ठीक है, नो प्लेस फॉर अर्बन, पढ़ के बताइए क्या लिखा है। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। क्या मतलब पता बताइए। पहले लगे आपके आपके वोट, फिर लीजिए आपका मंगलसूत्र और वोट ले जाएंगे आप। इसका क्या मतलब है? क्योंकि अगर ऐसे हमारे देश का भविष्य हो रहा है तो ये बहुत चिंताजनक बात है। तो हुआ ये कि ये जो स्टूडेंट्स गलगोटिया यूनिवर्सिटी के हैं और शायद आने वाले टाइम पर ये नाम बदलकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रख दिया जाए, क्योंकि आज तक के पत्रकार आशुतोष मिश्रा ने इनसे जो सवाल पूछे थे वो बिल्कुल बेसिक से थे, इतने बेसिक कि कोई 10th स्टैंडर्ड का बच्चा भी उसका जवाब इजीली दे दे। से टू नो वेल्थ वल्चर्स, क्या मैसेज है इस बोर्ड का? अच्छा, इस पर क्या लिखा हुआ? से नो टू वेल्थ लेटर। इसका मतलब क्या है? सर, यहाँ पे हम कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि सर यहाँ पे कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि हम जो चीज सबको चाहिए वो मिल सके। क्या? जो सब चीजों की जरूरत होती है। जैसे क्या? अच्छा, ये प्रोटेस्ट किस लिए है? सब बीजेपी को तो ये सब स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद थे कांग्रेस के ऑफिस के बाहर, क्योंकि इनको इनकी यूनिवर्सिटी के द्वारा भेज दिया गया था प्रोटेस्ट करने के लिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इन स्टूडेंट्स के हाथ में बहुत सारे प्ले कार्ड्स थे और प्रदर्शन के दौरान यहाँ कई सारी बातें कांग्रेस के विरुद्ध में थी और कई बातें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लेकिन जब इतना बेसिक सा सवाल इन एडल्ट स्टूडेंट से पूछा गया, तो कुछ स्टूडेंट से पूछा गया था कि आप वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो वो होता क्या है, और उनको ये भी नहीं पता था। ठीक है, नो प्लेस फॉर अर्बन, पढ़ के बताइए क्या लिखा है। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। क्या मतलब पता नहीं। क्या लिखा है इस हमारे प्ले कार्ड से? 70 साल में ना दिया जल ना बत्ती, अब छीनेंगे आधी संपत्ति। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? जितने भी सरकार ने उस टाइम वादे किए थे, अब उसी को लेके हो रहा है, कहाँ है वादे सब? अच्छा, नहीं तो इसका क्या मतलब है? इसमें वादों की तो बात नहीं, इसमें लिखा आप छीनेंगे आधी संपत्ति, तो कौन छीन? कॉलेज के आए हुए हैं, तो हर प्ले कार्ड पे जो कहते हैं हम, तो सब पे जो जो उन्होंने उस टाइम मारी की थी उसके खिलाफ ही है कि क्या क्या कहा गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो लेके आए हैं क्यों आए हैं, क्या है इसका मतलब, संदेश क्या है इसका, कौन छीन रहा आधी संपत्ति? जी, जैसे सब पे लोगों पे कांग्रेस का लिखा हुआ है, उसको हम बिल्कुल डिनोट कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। आपको पता नहीं है क्यों आए हैं? नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट मोटिव ऐसे तो बहुत सारे मोटिव, बट कांग्रेस के उस पे ही है हम। किस पर? जो उन्होंने वादे किए थे उसका कुछ वादों पर है। ठीक है, और कई हैं जिनको मैनिफेस्टो के बारे में पता ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि मैनिफेस्टो में आखिरकार लिखा क्या है। और इनमें से कुछ मानते थे कि वो कांग्रेस के विरुद्ध बोलने आए थे, लेकिन कांग्रेस के विरुद्ध क्यों आए हैं उनको ये भी नहीं पता। इनके पास भी है, क्या लिखा है आपके बोर्ड पे, पढ़ के बताइए क्या लिखा है। माँ बहनों के गहनों पर ना नजर जाड़ो, नजर गड़ाओ। हाँ, नारी शक्ति के क्रोध से खौफ। पूरा ठीक है, इसका क्या मतलब? हाँ जी, तो इसका मतलब है कि आप खौफ ना रखें दिल में अपने। अच्छा, आप सिर्फ सीधा वोट करें। इसका ये जो नारा इस पे लिखा, माँ बहनों के गहनों पर नजर ना गड़ाओ, ये पता है क्यों आए हैं आप? आप बताइए यहाँ क्यों आए हैं, पता है आपको? ये सब एक ऐसी यूनिवर्सिटी से हैं जहाँ मोटी रकम ली जाती है एडमिशन के लिए। इतनी ज्यादा फीस देकर अगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र आए प्लैकार्ड लेके और वो ही नहीं पढ़ पाए, विषय की बात तो दूर की है, तो इनके पेरेंट्स को इस संस्थान के बारे में सोचना चाहिए। तो ये भी एक वजह है कि आपको मीम्स की जगह चिंता करनी शुरू कर देनी चाहिए। हमें ये समझना होगा कि सिर्फ ज्यादा फीस देने से कुछ नहीं होता। अगर स्टूडेंट्स इतनी फीस देने के बाद भी इतनी बेसिक चीज ना समझ पाए तो फिर क्या फायदा ऐसे संस्थानों पर इतना पैसा खर्च करने का। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने तो निकल गए हाथ में प्लेकार्ड लेकर, लेकिन उसमें क्या लिखा है उन्हें ये ही नहीं पता, तो क्या ही बनेगा देश का भविष्य। बोले को तो इन स्टूडेंट्स ने बड़े बड़े मुद्दे अपने मुंह से बोल दिए, मगर उसका मतलब जानने की किसी ने कोशिश भी नहीं की। अब जैसे कि आमतौर पर होता है कि कुछ वायरल हुआ नहीं कि उस पर मीम्स आने शुरू हो जाते हैं, उसी तरह इन वायरल वीडियोस पर भी काफी सारे मीम्स आने लगे हैं। और मजे की बात यह है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने बड़े ही प्राउडली इसकी वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी की, पर कोई उनको बताए कि इसमें कोई प्राउड की बात नहीं है कि जिसे आप शेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखिए हमारे स्टूडेंट्स कितने देश के दुनिया के मुद्दों पर बात कर रहे हैं।
पर यहाँ सोचने वाली बात है कि देश और दुनिया को तो छोड़िए, जिस चीज का वो हाथ में डंडा लेकर घूम रहे हैं उस डंडे पर क्या लिखा है उन्हें ये तक नहीं पता। इस टाइम पर सोशल मीडिया पर न जाने कितने वीडियोस और मीम्स वायरल हो रहे हैं। अभी तो हंस लीजिए, लेकिन आराम से सोचिएगा कि हमारे देश का भविष्य आखिर किस ओर जा रहा है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसी ही देश दुनिया की खबरों के लिए और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल नोमैडिक ईव के साथ।